झरिया मातृ सदन में नवजात शिशु की मौत पर परिजनों का हंगामा। धनबाद के झरिया मातृ सदन अस्पताल में नवजात शिशु की मौत होने से अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ परिजनों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर झरिया पुलिस पहुंची, मामले को किसी तरह से शांत करवाया। दरअसल चासनाला बी टाइप कॉलोनी संतोषी माँ मंदिर के समीप रहने वाले जीतन कुमार हाड़ी की पत्नी छोटी देवी 30 मार्च 2022 को अस्पताल में भर्ती कराया तथा 31 मार्च 2022 को नॉर्मल डिलीवरी से एक नवजात को जन्म दिया। वहीं डिलीवरी के बाद जीतन कुमार हाड़ी ने बताया कि उसकी पत्नी और पुत्र दोनों ही स्वस्थ थे, लेकिन 1 अप्रैल 2022 को अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि उनका पुत्र अब जीवित नहीं है। जीतन कुमार हाड़ी ने अस्पताल प्रबंधन, डॉक्टर एवं नर्स पर आरोप लगाते हैं। झरिया थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाई। वहीं अस्पताल प्रबंधन किसी भी प्रकार के लापरवाही से साफ इनकार किया। फिलहाल झरिया पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कारण बोला है कि हादसा हुआ है, ठीक है, आप पेशेंट का आदमी को बाहर कर देता है। हॉस्पिटल का बहुत लापरवाही, क्या कुछ हुआ है ना, कुछ फैमिली वाला को रहने देता पेशेंट के साथ, और ना ही आया लोग नर्स लोग कुछ ध्यान देते हैं। क्या हुआ आपके साथ? मेरा बाबू इस कर दिया, इन लोग का लापरवाही कर रहे हैं। पूरा प्रबंधक नाइट में जो था, नर्स आया, ये सब का लापरवाही कर। सब मतलब बच्चा कब हुआ था? बच्चा 30 को एडमिट किए थे हम लोग रात को, और 31 को सुबह में डिलीवरी वन हो गई। बच्चा का माँ दोनों स्वस्थ थी, और अचानक इस तरह इसको लेकर क्या उस पर आरोप लगा रहे हैं? पूरा प्रबंधक का में आरोप है मेरा, और जो नाइट शिफ्ट में जो डॉक्टर थे आया थी नर्स थी, उन लोग का तो बहुत ज़्यादा लापरवाही है। प्रबंधक अगर इसमें कार्रवाई करेगी तो और अच्छा रहेगा। सुबह में मेरा संज्ञान में आया, भैया फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा मामला, भैया बच्चा मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ, अभी हम लाने के लिए गए तो बोलते हैं कि मृत्यु। तो मैंने सबसे पहले इनको झरिया थाना भेजा, इंस्पेक्टर साहब के पास के लिखित दीजिए, उसके बाद वहाँ जाइए, उस कानून का सहयोग लीजिए, उसके बाद वहाँ पे कोई तरह का हुल्लड़ हंगामा, कोई तरह का काम मत कीजिए जिससे आदमी को परेशानी हो। तो इंस्पेक्टर साहब फिर भेजे यहाँ पे जांच के लिए, जांच में आए, इन लोग से बात की तो बताएं कि बच्चा दूध पिया, दूध पीने के बाद छोटा ढिकार वगैरह वो नहीं ले पाया, इसके कारण बच्चे की मृत्यु हो गई। तो हम इनसे कहना चाहेंगे कि भैया नर्स का काम है, तो अगर कोई नई लड़की आती है डिलीवरी के लिए, ठीक है, तो उनको कैसे पता चलेगा बच्चा के साथ क्या करवाना है नहीं करवाना, ये तो पूरा पूरी जो है इनका सिस्टम है, इनकी लापरवाही है, इनको देखना पड़ेगा। ये हॉस्पिटल का आए दिन जो है कंप्लेन मिलते रहता है, मतलब बहुत बुरा कंडीशन रहता है हॉस्पिटल का, खाली पैसा का खेल है। कोई भी आता है तो नॉर्मल भी रहेगा तो उसको सीजर कराना है। आप लोग बात कीजिए, सर क्या बोलिए?